हम कहते हैं हमारे उठाए कसम इमरान खान करप्ट नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं कसम उठाए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इमरान खान करप्ट नहीं है। आप वजू करके कैमरा पीछे कर लो, मैं इधर करे मैं किधर करे, आप मैं भी वजू करता हूं आप भी वजू कर लें, बात यही खत्म हो जाएगी। मैं उठाता हूँ कसम इमरान खान के लिए, आप उठाओ नवाज शरीफ के लिए, वो ईमान है। ओ भाई कोई औलाद अपनी कसम बाप नहीं, भाई कुरान में कसम है चोर उसकी शक्ल पे कसम खाते हैं। ओ भाई एक मिनट कोई नहीं खाता, और इधर है नवाज शरीफ का चेहरा, इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है आप इधर है अंकल ने इधर है इधर है इधर है इधर आप भागे ना आप भागे ना आप भागे ना आप छोड़ ना। अच्छा एक मिनट 40 साल 40 40 साल गोल करते भैया छोड़ के भागा नहीं, वो जा रहे नहीं, छोड़ने नहीं वो मुल्क छोड़ के भागा नहीं है। एक फैसला करते ना, एक फैसला करते, एक मिनट भगा रहा है ये देखिए, भगा रहा है उसको, भगा रहा है ये, भगा रहा है एक मिनट कर दिए, कहाँ भागेगा वो, भागेगा कहाँ। अब रुके अब रुके अब रुके एक मिनट ना, आप सबका बयान लेता हूँ एक मिनट रुके अंकल अंकल एक मिनट अंकल एक मिनट एक मिनट रुके, आप दोनों हैं नून लीग के ऐसी है, आप है पीटीआई के, थोड़ा सा भाई कैमरा इस तरफ कर लें। अंकल जी आप कसम उठाएं कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं, क्यों कसम खाएं, आप कसम उठाएं कि इमरान खान करप्ट नहीं, कसम उठाएं आप करप्ट नहीं है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक करप्शन नहीं की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किससे एक रुपया भी लेके गलत सहाफत नहीं की, आप हमने आप गलत गलत करप्शन नहीं की, हमारी जात की बात है कि नवाज शरीफ आपका लीडर करप्ट नहीं, बोलो इमरान ने, आप अपने लीडर की कसम खाएं करें, हम कहते हैं हमारे उठाए कसम इमरान खान करप्ट नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं कसम उठाए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इमरान खान करप्ट नहीं है। और भाई अभी शर्म कर ले आप लोग, ये फैसला पीटीआई जिंदाबाद। आप अनाज़ने किराम चोर नहीं है, वो लीडर है, अगर चोर होता था ना वो भाग जाता, वो सौदा कर लेता, वो मुल्क को छोड़ जाता था, उसको पता नहीं है कि ये मुल्क जो है ना अवाम गदार है, अवाम ने उसके साथ नहीं दिए, अपनी अवाम में होता है बाहर नहीं भागता, ये हक सच है बस। मिनते करके अवाम कठिन नहीं करता लीडर हैं, अवाम दिल से आती है। वो बात सुनो, वो जेल में है, वो किधर है, वो आप बोले अभी देखो इमरान खान जेल में है ना, जेल में वो फिर भी उसके बावजूद 55 हल्कों में जीत चुका है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन करा ले दूध का पानी पानी का हो जाएगा। अल्लाह की कसम है हमारा अटक में नूर लीग का जलसा था, खुदा की कसम है 3 कजन के और 4 साथियों के 7 मोबाइल जलसे में चोरी हो गया था, कसम से बड़े नूर लीग के जलसे में कसम का अगर कहता हूँ हम गया था। अच्छा जी, तो हमें तो यकीन माने काफी खुशी हो रही है, उम्मीद है पाकिस्तान है वो, क्या कह सकते हैं आप बताएं, आपने कहना है आपके सामने ही है कितनी आवाम इकट्ठी हो गई है, उम्मीदें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने उम्मीदें लगा ली हैं माशाल्लाह। एक पोस्टर देख के आ रहा हूं जिसमें काफी सारे पोस्टर पे चलते हुए आ रहे हैं, रात को भी देखे थे, स्याही फेंकी हुई थी नाज साहब के मुंह पे, वो बस वो जो बीजने वही बोने तो आपको लगता है सही किया आवाम ने, तो जाहिर है आप जो बीजने वही बोने है ना। ये आपने मेरा रिकॉर्ड चलाना है, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका चलाऊंगा। ये पाकिस्तानियों का बस क्या कर सकते हैं, बदकिस्मती है और तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ जो अलग अलग फ्लैग्स लगे हुए हैं, उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान की, नवाज शरीफ नवाज शरीफ, उन्होंने साथ लिखा है वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम भी नहीं, भगोड़ा भी नहीं, बीमार भी नहीं, वजीर आजम, यार कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ, वो क्या वजीर आजम बन के आए, वजीर आजम वो उधर से बन के आ गए, क्या कर सकते हैं आप, बदकिस्मती है और तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये नहीं सोचना कि मैं पीटीआई का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं मैंने तो कहा भी नहीं, 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 नहीं मतलब सुनने वाले तो ये सोचेंगे ना कि यार ये कोई पीटीआई का होगा, मैं एक पाकिस्तानी, मैं आम आवाम हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ, आम सा बंदा हूँ, लेकिन बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है। अब आप देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जलसे हो रहे हैं तो फ़लस्तीन के लिए अपने मुसलमानों के लिए जलसे मर रहे हैं, नौ माह के बच्चे मरे, गर्दने अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे, रूह काम जाती है, मुसलमानों को स्टेट फायर मारे जा रहे हैं, लेकिन नवाशी साहब अभी यहाँ पर जलसा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी हिम्मत होगी कि आप ये रिकॉर्डिंग चला ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपने कलमे कसम खा रहा हूं चलाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले मैं भी आप एक सर्वर है अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, नौजवान है जी मुस्तकबिल के, आपने आने वाला दौर देना है, इनका तो दौर खत्म हो जाएगा, मुझे बताएं क्या उम्मीद है पाकिस्तान नवाज शरीफ है। जी जी बिल्कुल वही है जी,
मुझे बताइएगा थोड़े वजूहात बताइएगा जिनकी जैसे आप उम्मीदें पाकिस्तान कह रहे हैं उनको। क्या बताऊं सर आपको, जवाब नहीं है। जवाब होना ही नहीं है ना, जवाब है ही नहीं, है ही नहीं। वो देखे ना अब किस हालत में गए थे और किस हालत में वापस आ रहे हैं, तो क्या जवाब होना क्या है। प्लेटलेट्स कम थे उनके, दिल की बीमारी सारी खत्म हो गई, इनसे पूछ लेते ना जरा, वो जो प्लेटलेट्स खत्म थे, दिल की बीमारी थी, वो खत्म हो गई उनको? जी जी वो खत्म हो गई। अब तो आप एज अ बतूरे आप कारकुन ये कसम उठाएं कि अब नवाज साहब इधर से बाहर नहीं जाएंगे मुल्क से? नहीं, अब तो जाएंगे नहीं, कसम उठाते हैं आप? जी जी आप नहीं जाएंगे, देखना जरा। अगर चले गए फिर नहीं जाएंगे? अब फिर इनकी गर्दन काट देना, पक्की बात है। यार एक आप लोग कहते थे नवाज शाह पे केसेस होंगे, मियां भागेगा नहीं, वो पाकिस्तान में रहेगा। एक हफ्ते के बाद वो मुल्क से भाग गया। नवाज शहबाज जी साहब ने तहरीर पे लिख के दिया कि मियां साहब मुल्क में ही रहेंगे, वो मुल्क से बाहर गए। फिर आपने कहा खाकान अब्बासी साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब आए यहाँ पर, कहते नवाज साहब एक साल में आ रहे हैं, तो आप फिर नहीं आए। फिर आपने कहा कि नवाज साहब दो साल में वापस आ रहे हैं, वो फिर नहीं आए। 4.5 साल बाद आ रहे हैं, जो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आ रहा, ये कह के इमरान खान को जेल में डाल दिया उस बेचारे को, गरीब को। आप कहते कि आप मुकाबला करेंगे? गरीब नहीं, वो शेर है। हाँ है ना, गरीब किस बात पे वो गरीब है? वो वर्ल्ड के वो लीडर हैं, वर्ल्ड के इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं वो, उनको गरीब ना कहे ना, वो असली शेर, उनकी वजह से तो गरीब हम हुए हैं। शेर तो वो ही है, कितने अरसे से वो बंद है और ये क्या सलूक कर रहे हैं, उफ तक नहीं आई अभी तक कोई इस तरह का। वो नहीं आई प्लेयर्स, वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, उनके मुजाहिद भी फिट हैं, वो भी फिट हैं। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो अल्लाह की तरफ से आएगा और इंशाल्लाह हम बताएंगे, हम पाकिस्तानी बताएंगे, सब बताएंगे, पीटीआई वाले नहीं, हम पाकिस्तानी बताएंगे। अब पीटीआई का नाम लेने से तो वैसे भी पर्चा हो जाता है ना, तो वो पर्चा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हर चीज़ हमारी है, इदारे हमारे अपने हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अल्लाह की पकड़ आनी है, इंशाल्लाह अल्लाह की पकड़ आनी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बयान पे? यार मेरी बात तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो फिट है, नहीं वो आप कह रहे हैं ना वो फिट है, अंदर से नशा तो उसको आम मिल रहा है, तो वो नशा नहीं, आप देने गए नशा? वो नहीं, नहीं नशा आप देने गए जी, उनको नशा देने गए हैं आप? मैं देख रहा हूँ, अगली बार बताएं फिर, ये बात है ना तो फिर बताएं ना फिर आप। असल पर होना चाहिए क्योंकि नशा देने, ठीक है ठीक है, ये ऑन दी रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि मैं नशा देने गया हूँ, ठीक है। तो वो जो जायनमाज उनको मिली है वहाँ पे, जो एक्सरसाइज का सामान मिला है, कुरान पाक मिला है, वो कौन देने? तो नवाज साहब अडियाला गए थे ना, उन्होंने 7 घर खरीद के कुक मना लिया था कि गरम गरम खाना है, कुरान पाक एक्सरसाइज का सामान, वो मैं देने गया था एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान, एज अ सच्चा मुसलमान, ठीक है। तो वो मैंने देने गया था, ये भाई नशा देने गए थे। आप रिकॉर्ड कर लें फिर, इसका जो लीडर उसकी वो तरफ, बस क्या कह सकते हैं अंकल। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, ये नवाज शरीफ के मुंह पे कालक फेंक दी गई है पोस्टर्स को, जब आप देखेंगे तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या है ये? गलत है, ये गलत है। हाँ, नवाज शरीफ, हाँ बिल्कुल, वहाँ में तो भुखी मरण डी है, आप बाहर दौड़ गए, वापस आ रहे हैं सर, वापस आके की करेगा, तड़ी कोई उम्मीद नहीं होती साडा इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बिल्कुल तड़ी उम्मीद इमरान खान, शेर है, नसया नहीं, नसया नहीं, हो नसया नहीं, मैदान छड़ के अपने लाहौर से पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला लड़ेगा जरूर, बाकी मैदान दे विच लड़दा, हाँ जी शेर हैगा वो, बस यही इतना कुछ कहना चाहूंगा।